मकान है, मेरी छत है, ये मेरा ड्राइंग है, ये मेरा कमरा है, मेरी किचन है, मेरी टॉयलेट है। पूरी ये छत कंप्लीट हो रही है, ठोकाई चल रही है इसकी अभी। ये बैठक छज्जा लकड़ी काटी जाती है, क्योंकि बीच में कोई जगह रह गई है उसमें अब लकड़ी फंसाई जाएगी, जिससे मसाला नहीं गिरेगा। ये देखिए जमुना कारीगर का कील निकालने का स्टाइल, ये देखिए जरा, ये देखो। ये देख सकते हो, ये है सेंटिंग जो लग चुकी है, अब के स्तरिया हैं वो उस पर लगाए जाएंगे। इस पर ये ब्लैक ब्लैक आपको दिखाई दे रहा है, ये इस पर ऑयल लगाया गया है, ये आपको दिख रहा है, ये ऑयल है। इसका मतलब क्या है, इसका ये ऑयल इसलिए लगाया है क्योंकि जब ये छत इसके ऊपर डलेगी ना, और छत डलने के बाद इसको निकाला जाएगा, इन प्लेट हैं ये छत से निकाली जाएंगी तो बड़ी आसानी से निकलेंगी, और जो अपनी छत है ना वो बिल्कुल फ्रेश निकलेगी, साफ सुथरी एकदम बिल्कुल फ्रेश निकलेगी। तो इसकी वजह से इसमें ये और लगाया, ये देखो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसकी वजह से ये हंस रही हैं, देखने आई हैं। मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ गैप डली हुई हैं, ये किस लिए होते हैं पता है? इसमें ये भीम डलते हैं, भीम बोलते हैं ना, तो ये दीवार बनी हुई हैं वो है ये, और इनके ऊपर लेंटर डलेगा। अब ये पूरी कंप्लीट हो चुकी है और इसमें बाकी सरिया का काम होने वाला है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, सरिये का काम जब से डलेगा। तो ये छत है कम से कम 1000 वर्ग फुट एरिया का पूरा छत है, तो देख सकते हैं आप सभी लोग, ये 6 mm का सरिया है जिसका रिंग बनाई जा रही है, और इस रिंग का कहाँ पर प्रयोग होता है वो मैं अभी आपको वीडियो में आगे बताता हूँ। दोस्तों लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी की बटन को दबाइए ताकि आपको और भी वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। मिल जाओ। तो चलिए दोस्तों अपन देखते हैं इस रिंग का प्रयोग कैसे कर रहे हैं ये लोग। जो रिंग है उसके अंदर 4 सरिये डाल रहे हैं और उसको इस तरीके से जोड़ा जाता है उसमें, और इनके पास जोड़ने के लिए इनका एक हथियार होता है। तो देखिए एक सामने कील पड़ी हुई है सरिये की, उससे इसको ये जोड़ते हैं, देखिए इस तरीके से जुड़ रहे हैं, और इनके पास में एक पतला तार होता है उससे ये जोड़ते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही हार्ड वर्क होता है, और ये हथौड़े की सहायता से उस सरिये को काट रहे हैं, देखिए किस तरीके से काटते हैं। तो देख सकते हो सामने में ये चाचा जी का घर है, उसमें भी सेंटिंग की ठुकाई हो रही है। तो ये सरिये ऊपर आ चुके हैं, और भी ऊपर आना बाकी हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। तो देख सकते हैं इन्होंने गैप दे करके इन सरियों को लाइन से बिछा दिया है। इन सरियों के बीच में जो गैप है वो 6 से 7 इंच का गैप रहता है। इन सरियों में हमें क्रैंक भी डलवानी चाहिए, वो आप नहीं सकते। देख सकते हैं आप सब लोग, ये इतना काम हो चुका है, और अब धूप हो गई है बहुत तेज़, अब अपन चलते हैं नीचे, काम कंप्लीट होने पर ऊपर आते हैं। चलिए बहुत तेज़ धूप है, नीचे चलते हैं। तो देख सकते हैं आप सब लोग, ये सीढ़ियों के लिए प्लेट डली हुई हैं, और मुझे लगता है सरिया डल के पूरा कंप्लीट हो चुका है। देखिए ये इस तरीके से छत कंप्लीट हो चुकी है, बॉक्स बन चुके हैं पूरे बॉक्स। इन सरियों की मोटाई 10 mm की है, और इनके जो बीच का गैप है वो 6 से 7 इंच के बीच रहता है। काम चल रहा है, मेरे चाचा जी की छत है, देखिए उसकी भी ठुकाई चल रही है,
ठुक रही है। ये छत कंप्लीट हो चुकी है, अब इसमें बाकी रह गया है ये छत डलना। ब्लॉक्स बन चुके हैं, सरिया पूरी लग चुकी है इसमें, सामने क्रैंक भी डाल दी हैं इसमें। अब इसमें होना बाकी है वो है सरिये लगाते समय इसमें आपको क्रैंक भी लगवाना चाहिए। छत की डलाई, और डलाई होगी उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा।